वरी दोस्तन जी वरी मेहरबानी आ जेके दोस्त परे खां कई आया आहिनि या भाॻी आया आहिनि महिरबानी साईं हिते जेके दोस्त वटि आयो असां अचो अॻियो सीटूं खाली आहिनि भाउ दिलो न यार तव्हांजे लाइ प्रोग्राम आहे असां तव्हां जहिड़ा आहियूं بسم اللہ الرحمن الرحیم اول اللہ عالم جو دھنی قادر پانجی قدرت سی قائم آہے قدیم والی واحد وحد ہو رازق رب رحیم سو سارا سجو دھنی چاہے حمد حکیم کرے پان کریم جوڑیو جوڑ جہان جو انہیں جی مہربانی جو ہیڑا جوڑا ہیڑیو جب میٹنگ سے تاں بھر لے آئے شاہ سائیں جی انہیں بیت سا تاں بسم اللہ کہوں تاں प्रोग्राम स्टार्ट करण लाइ असां जी जेको पहिरियों ई आहे इस्लामी तरीक़ो असां पहिरियां क़ुरान जी तिलावत इकराम कराईंदासीं उन जे लाइ ऐं अर्ज़ु कंदुसि प्रोफेसर साईं गुल मोहम्मद कुबर साहब खे जेको गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज न्यू हैदराबाद में प्रोफेसर आहिनि त अची तिलावत कलाम में पक أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم माशाला जदा करा हीअ असांजो उस्ताद प्रोफेसर गुरु मोहम्मद कुंवर साहब हुया तव्हां भाॻियनि जी वॾी महिरबानी पर उहो हिते चारू न आहे जेको असां ॿियनि शहरनि में ॾिठो आहे उहो ख़बर न आहे त हिते माण्हू लेज़ी आहिनि अञा परस्त आहिनि 400 माण्हुनि जी दावत में ई दोस्त रुगो वेठा आहिनि बहरहाल उन खां पोइ अदीब तेरी फोडस जेको आहे उहो तव्हांजे लाइ हिते शयूं खणी आयो आहे उहे तव्हांजे जानवरनि जे लाइ हिते खणी आयो आहे तव्हांजी जेका असां फ़ाइदे लाइ आहे हीअं दुनिया अलाए किथे वञी पुॻी आहे
असा उते जो उते पया हूं जिते आयो बराए मेहरबानी न्यू चेंज आयो नई शय आयो दुनिया दिसो ता यूट्यूब खोलियो ता फेसबुक खोलियो ता पंजाब जो मिसाल लियो ता ऑस्ट्रेलिया जो मिसाल लियो ता बेन मुल्क जो लियो ता वा शय कहां भी करे सको ता उने जे लाई ता जे लाई अदील फोल्डर जो आहे तहां जे लाई कम करे तो पियो तहां जे जानवर लखणी आयो आ उन जे खाद खुराक लखणी आयो आ ता जे खीर वधाण लखणी आयो आ जाती हुने जो फायदो कोने हुने सां गॾु तहां जा भी फायदा आहिनि तहां जी वॾी महिरबानी तहां कई आयो तहां खे शुक्रिया अदा या आजाण करण लाइ ऐं अदील रिफरल्स जो तारुफ ऐं वेलकम करण लाइ ऐं दावत ॾे थो प्रोफेसर साईं शफ़्तला काका साहब खे त उहे अचनि ऐं वेलकम तव्हांखे भली कान कनि मुंहिंजी तारीफ़ थो वॾायो मूंखे लॻी अथव छा मानी तयारु आहियां सभिनी भाग्य दोस्तनि असांजे मौजूद महिमाननि कंपनीज़ जे डॉक्टर्स एम्प्लॉइज फूडर्स जो महिरबानी जेके असां वटि हिते आया असांजे सॾ ते पंहिंजो टीम ते टाइम कढी असां वटि पहुता आहिनि सभिनी खां पहिरीं हुन सभिनी जे असांजी जेका फीड जी दुनिया आहे दिलचस्प बि आहे ॾुखाईंदड़ बि आहे ऐं रत चुसींदड़ बि आहे पर हिन जदीद दौर में जॾहिं ट्रैक्टर आया जॾहिं भाण ऐं कलर आया जॾहिं पैंट शर्ट पाइण जो रवाजु आयो त असांजे माण्हुनि ख़ासि कर ॾखण एशिया जे माण्हुनि नई शइ खे अचण में थोरो देरि सां अपनायो किन कुफर जा दावा ॾिना किन अंग्रेज़ हुजण या धारियो हुजण जा दावा ॾिना पर अॼु ॾिसो त कलर ऐं भाण खां सवाइ ॿनी पोखजे ई कान थी ट्रैक्टर जे हर खां सवाइ विरले का ॿनी हूंदी जेका पोखजे थी त हीअ जेका फीड आहे बुनियादी तर फीड जी लफ़्ज़ी माना आहे खाधो ठाहिण पोइ फीड फीड करे मशहूरु थी वई कणिक जो ॾाड़ो खड़ भूसो इहे सभु फीड आहिनि छो करे माल जे खाइण जी शइ आहे पर जदीद दुनिया में उन शइ खे सुठो सवलो ऐं आसान करे माण्हू भाग्यनि ते पुॼाइनि त जीअं हिकिड़ो भाॻियो पंज मज़ूर रखी सुबुह जो ॾाड़ो पुसाए खड़ पुसाए ॿिए ॾे वञी उहो खाराए उन जे जाइ ते उहे सभु शयूं मिक्स करे उन्हनि खे सुठे नमूने सां उन्हनि में हाज़मो कंदड़ अंसर विझी खीर वधाइण जा अंसर विझी सिर्फ़ु कटो खोले तगारी में रखी मेंह जे अॻियां रखनि ऐं खाइनि हाणे अचूं था अदील डेरी फूडर्स ते जनवरी 2018 में माशाला फूडर्स जे नाले सां असां हिकु दुकानु खोलियो हो असां वारनि ते भाॻियनि ते कंपनियुनि वारनि वटि ऐं दोस्तनि वटि तारुनि जे लाइ विदा हुआसीं उन्हनि सभिनी माण्हुनि जो का महिरबानी हुजे अॼु ताईं असां सां गॾु आहिनि पोइ अॻिते हली असां ॾिठो त हुकूमत जे तरफ़ा इन ॻाल्हि जी आगाहियूं हलनि पियूं त पंहिंजा दुकान रजिस्टर करायो उन्हनि खे टैक्स रेट में आणियो ऐं पंहिंजे बिज़नेसिस खे पंहिंजे कारोबारनि खे लीगलाइज़ करियो उन ॾस में असां FBR खां रजिस्टर करायो हिन दुकान खे ऐं दुकान जो नालो मूं पंहिंजे पुट जे नाले खां अदील डेरी फूडर्स करे रखायो असांजो पंहिंजो हाणे बिज़नेस अकाउंट आहे हुकूमत पाकिस्तान खां असीं मंज़ूरु शुदा आहियूं पोइ जॾहिं एॾी वॾी ख़ुशी हुई असांजे लाइ त असां हुनखे जशन जी सूरत में सेलिब्रेट करण पिए चाहियो पोइ ज़रूरु असां पंहिंजनि भितियुनि सां ऑफिसनि सां त कोन सेलिब्रेट करियो आहे तव्हां माण्हुनि सां ई करियो आहे उन ॾस में असां तव्हां सभिनी मौजूद दोस्तनि खे गॾु कयो आहे सखर खां कराचीअ खां शहदादपुर खां नवाब शाह खां जेके जेके माण्हू असां वटि हिते कई आया आहिनि उन सभिनी जी महिरबानी हीउ जेको बिज़नेस आहे कारोबार आहे असांजे सिंधी नौजवाननि जे लाइ बि हिकिड़ो मिसाल आहे जेके 38 सालनि 37 सालनि जी उमिरि ताईं माइटनि खां दोस्तनि खां उधारा 500 रुपया वठी जूनियर क्लर्की जो फार्म भराईंदा आहिनि 1000 रुपया किरायो भरे हैदराबाद टेस्ट ॾियणु वेंदा आहिनि 5-5 लख 10-10 लख ॾींदा आहिनि पोइ बि नौकिरी जी पक कान्हे उन्हनि माण्हुनि खे घुरिजे त 10,000-20,000 खां उहे जेके नौकिरियुनि में अप्लाई करण जे लाइ ख़र्चु कनि था
उन्हें सां कारोबार खोले हक हलाल जो कमाई मेहनत कन पौतर के कन नौकरी कर तो डोह कोने पढ़ो यूनिवर्सिटी में डिग्री हासिल करो शऊर करो हासिल करो जेकर नौकरी मिले थी तो अखियन से नी मिले तो कारोबार शुरू कर मायूस न थो ना उम्मीद न थो उन गुजर पाल असा फील्ड के बारन की दुनिया में मौजूद आयो सख्त जदोजहद मेहनत भी कई अं पर सभी मूल सब इतने वेठा आयो सारी सिद में कई आया उन्हें शुक्रियो अदा क्यों था गद भी असा ही कारोबार शुरू कर उन्होंने हुजन सा ही कारोबार है मानू सा मेहन सा जानवर सा सो कारोबार भेतन सा को हाँ तभी जो मेहरबानी प्रोफेसर आजाद निवारी साहब जन के स्टेज वापस दीदस तो प्रोग्राम के अगत बढ़ाई बड़ी मेहरबानी मानू सब ना सुना पक्षी सब ना हंज जेके मानू मंज अचे बुई बहार जी या बुई बहार जी साईं शत्रा काका साहब वटा है जेका तहां जले करे पे वडी मेहरबानी साईं काका साहब असा वट शादी वेजे थिंदी वन त घोट के ठाण ले सिस्टम ठाई दान त पिस्ता बादाम सिंधी के जो चूरन ठाई उनन के खाराई दान भाई ताकत वट पर कुआं पे वो न थिंगो अड़े तरीके से जैसे तक ताकत दियारो था दियन चाहिए तो सबब हों ना जैसे तुम लखन जहाँ जानवर रखो था तो उन्होंने भी तुठी खाद खुराक दीदव तह जानवर दीद अस मेह के पाँ माँ जो लकब दींदा भूमा कर चुंदा छो चुंदा मन माँ जो लकब दूँ था माँ कद भी पुट जो या धीर जो कर्ज न रखी अव तेह के खाद खुराक सुठी दीद फीड सुठी दीद हफ्ते का तक रिटर्न पे कहीं जैसे फीड सुठी तीनी चार किलो तो पंज किलो से अची वी जो असो मकसद यो है फीड जो या बोर्डर जो या असा डॉक्टर साहबान जो वेठा तक बुधाइंदा तो उनको फंक्शन है जो खाराइव दींदा इन के लिए खाद खुराक न्यूट्रिशन के लिए तक जो डॉक्टर साहब है डॉक्टर अब्दुल वाहिद सोलंकी साहब देवे से है तलार फीड जो जो तक न्यूट्रिशन खाद खुराक बाबत बुधाई डॉक्टर अब्दुल वाहिद सोलंकी साहब मुझो नालो डॉक्टर अब्दुल वाहिद सोलंकी है सलार फीड में सब का पे शुक्रगुजार आयो साई प्रोफेसर शकतुल्ला काका साहब जिन इन मेड़ा को मचाण में असि मदद कई साई जिन जहाँ लखनपुरा जिन एडी सुी गैदरिंग की साई मुझा अवा सब मुझे ऑलरेडी मालूम है तो डेरी फीड ए जानवर जो रिश्तों अजल का इंसान सा है जो तभी दोस्त के मालूम है तो जानवर के लिए खाद खुराक उनकी वाद बीज लाए अजकल जी भी साइंसी तरीका अपनाए वन उन दुनिया जिदत की तरफ वे पी उन जिदत की तरफ का अस जैसो अवेयर थी जो अवेयर थी उन जदीद तरक्न के जदीद तरीक के अपनाई ओतो अस फायद वी सब का पैरोंी डेरी फीड कंपनी जो इंट्रोडक्शन कराइस और सलार डेरी फीड से ताल रखा तो सलार डेरी फीड तकरीबन 15 साल पुरानी कंपनी है इनको तालुक हैदराबाद से है सब का पैरों 2067 का अस कम शुरू किया पोल्ट्री के हवा से कम कहीं जिदत जे अख्तियार क्या हुआसी पोल्ट्री में अस सुठो कम कियासी उन सुठे कम का अस मालूम थो तो सिंध की 70% आबादी गोठन में रहे थी उनको जरिए माश तकरीबन जानवर से है उ मालवंद है जमीन कन पाया जानवर पालन पाँची गुजर सफर कन पोन सो जानवर के जदीद तरीक उन उपज वी वे
छो त अलाह साईं सिंध खे स्पेशली या पाकिस्तान खे पाकिस्तान में स्पेशली सिंध खे इहा इज़त बख़्शी आहे त हिते जा जेकी असल खां जेके नसल आहिनि जानवरनि जा जीअं नीलगावी जीअं कुंडी बफेलो थी वई या जेको आहे सो साई वाली गऊं थी वई थरबारगर गऊं थी वई इहे तमामु भला नसल आहिनि। इन्हनि ते असांखे महिनत करणु खपे ऐं उनजी खाद खुराक उनजी पालना में स्पेशली असांखे जेको आहे सो तमामु घणो हिसो वठणु खपे। उनखां पोइ 2010-12 में असां जॾहिं पोल्ट्रीअ खे मेश खां क्रैम्पल कयोसीं त उनमें असांखे पूरे सिंध मां सुठो रिस्पॉन्स मिलियो ऐं उनखां पोइ असां 2014 में हिन डेरी फीड जो कमु शुरू कयोसीं। डेरी फीड बि बेसिकली जानवर जी खुराक खे चइबो आहे ऐं जानवर जी जेकी मुतवाज़न ग़िज़ा आहे जेकी जानवर खे शइ खपे जेको जानवर माना खीर ॾींदड़ आहे उनजे लाइ अलॻि ग़िज़ा हूंदी आहे जेको जानवर खीर न ॾींदो आहे उनजे लाइ अलॻि ग़िज़ा हूंदी आहे। उन लाइ असां इहा कोशिशि कईसीं त मुख़्तलिफ़ मालमंदनि खे इहो अवेयरनेस सेशन्स कराइजनि जंहिंमें साईं शफ़क़त अला काका साहब असांजी हेल्प कई ऐं हीउ मेड़ाको मचायो। उन तहत सभिनी दोस्तनि खे इहा मालूम हुजणु खपे त दुनिया तरक़ी जी तरफ़ वञे पई ऐं उन तरक़ीअ में असांखे हिसो हुजणु खपे। दरहक़ीक़त तव्हां सिंधीअ में मिसाल ॾिठो हूंदो त जानवर जो जेको माना धंधो आहे या पालना आहे उहो बरक़त वारो धंधो आहे। छो त तव्हां असांजा कुझु सीनियर डॉक्टर्स मिसाल ॾींदा आहिनि जॾहिं असां फॉर्मल मीटिंग्स वग़ैरह में अरेंज कंदा आहियूं त उते उते जो जेको माना हिसाब किताब हूंदो आहे तक़रीबन साल में 2 दफ़ा हुनजो नसल थींदो आहे ऐं 11-11 हुनजा बच्चा ॼमंदा आहिनि पर हिक में साल में हिकु फर्क़ु ईंदी आहे पर पोइ बि बरक़त जेको आहे सो जानवर में हूंदी आहे। उन तहत असांखे इहो मालूम हुजणु खपे त हिकु सुठी मेंह जेकी आहे असांजे हिकु सुठे एकड़ ज़मीन जे बराबरि आहे जंहिं सां उनखे असां साइंटिफिक ऐं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू खां सोचींदासीं ऐं उनखे असां कैलकुलेशन कंदासीं ऐं उनखे प्रॉपर खाराईंदासीं प्रॉपर उन खां असां प्रोडक्शन वठंदासीं त उहा असांजे हिकु सुठे एकड़ जे बराबरि आहे। अवां हिते दोस्त साहब काफ़ी ॻोठाणा बि आहियो ऐं ज़मीन खाईंदड़ बि आहियो जानवर पालंदड़ बि आहियो ऐं जे सुठे नसल वारे जानवर हिकिड़े खे तव्हां सही नमूने सां महिनत करे पालियो त उहा हिकु एकड़ जे बराबरि तव्हांखे प्रोडक्शन ॾेई सघे थी। उनजे लाइ असांखे जदीद तरीक़ा अपनाइणु खपंदा जंहिंमें फीड लाज़िम आहे छो त हर जानवर जी पंहिंजी पंहिंजी रिक्वायरमेंट हूंदी आहे त खीर वारे जानवर खे छा ॾियणु खपे ऐं जेको सुका या जेको आहे भुको जानवर आहे उनखे छा ॾियणु खपे नंढड़ बचड़नि खे छा ॾियणु खपे छो त दुनिया तरक़ी तरफ़ वञे पई फ्यूचर में जीअं त ताज़ो अॼुकल्ह जेको आहे सो माना मिसाल हले पियो लैम्पी डिज़ीज़ जो इहा जेकी डिज़ीज़ वायरल डिज़ीज़ हले पई त इन तरह जॾहिं इहे चाइना सी पैक अचे पियो त उन तरह जेको आहे सो गोश्त ऐं खीर जी स्पेशली माना तमामु घणी शॉर्टेज थी वेंदी। तंहिं तहत असां सभु ॻोठाणा इन शइ खे सम्झूं त हीअ शइ तमामु ज़रूरी आहे असांजे लाइ त खीर खे ऐं गोश्त खे कीअं वधाइणु खपे। उनजे लाइ असांखे सोचणो पवंदो त उहे कहिड़ा वापारी तरीक़ा आहिनि त असांखे कहिड़े तरीक़े सां प्रोडक्शन लेवल खीर जी ऐं गोश्त जी वधाइणु खपे छो त फ्यूचर इन शइ जो आहे। असां सां जानवर ऐं इंसान जी ज़िंदगीअ सां लाज़िम मज़ूम शइ आहे जंहिंखे असांखे सम्झणो पवंदो त जानवर खां असांखे उहा उन लेवल जी प्रोडक्शन कीअं वठणु खपे। उनजे लाइ असां तव्हांखे इहो ज़रूरु तलक़ीन कंदासीं त तव्हां जानवर पंहिंजे जानवरनि जो बहितरीन ख़्यालु रखो। स्पेशली 4-5 तरीक़ा आहिनि जंहिंसां जानवर खे असां सुठे नमूने सां पाले सघूं था उन खां प्रोडक्शन हासिलु करे सघूं था। सभ खां पहिरियों ऐं जिते बि वेंदो आहियां त दोस्तनि खे चवंदो आहियां त जानवर खे पंहिंजो सरमायो सम्झी पालियो त जंहिंजे तव्हांखे उहो प्रोडक्शन ॾेई सघे ऐं तव्हांखे फ़ाइदो ॾेई सघे। सभिनि खां पहिरियों 3-4 जेके माना यूनिवर्सल उसूल आहिनि जानवर खे पालण जा उहे हिकु इहो आहे त जानवर खे तव्हां हमेशह खुलियो रखो जेतिरो थी सघे जानवर खे तव्हां खुलियो रखंदो जानवर ईज़ी फील कंदो ऐं सिहतमंद हूंदो त तव्हांखे प्रोडक्शन ज़्यादा ॾींदो ऐं ॿियो नंबर इहो त जानवर जे आसपास में हिकिड़ो साफ़ु सुथिरो थांव खीर जो ज़रूरु रखो पाणीअ जो ज़रूरु रखो जेको 24 कलाकनि में जेॾी महिल जानवर खे उञ लॻे उहो पाणी पीए जेतिरो घणो पाणी पीअंदो ओतिरो ज़्यादा जेको आहे तव्हांखे प्रोडक्शन खीर वधाए ॾींदो। नंबर 3 त जानवर खे पेट जी कीड़नि जी
पेट की कीड़न की दवा ए खल की सुई जरूर लगा हर टिन महीनों का सठ सत्तर परसेंट जानवर की बीमार जरिया या मसला मसायल वो खत्म थी वादा। चौथों नंबर यो जानवर के टाइम बे टाइम टे चार वायरल बीमार हलन थी पाकिस्तान में या स्पेशली सिंध में जो गलगोटो है या मुहाड़ो है या मेटास्टेटस है उनकी वैक्सीन कराए छा कर अक्सर करें बी गाल जानवर की बेडिंग जी है जो सरफेस है वो पोसल पर हो ड्राई हो सुको हो साफ़ सुथरो हो जानवर तुम ठीक रो तुम्हारी प्रोटेक्शन सही बेहतर थी। सो सभी का आखिर में आँ जगह वर्तुम साई शबकत साई शबकत काका साहब जो वो शुक्र गुजार आया आखिर में भी पंज सत शन फीड जी है वह तवे जानवर के लिए जरूरी छो है। एक तो असें खबर है तो जो असानी बूढ़ी बफेलो नसल है या जी गहू है उनकी जी प्रोडक्शन है या जी पर टाइम जो खीर दूँ पठूँ पा उन तो वो घट पे वो छो पे वो तो अस उन प्रॉपर तरीके से खारूँ को हाँ तो असके सलाह दींदी बजाय जो तुम चोकर खड़ सब शो तो ठीक है दियो भले पर इन गो गुक फीड जो इस्तेमाल है न वो तवे जानवर जी पैदावार वधाण में खीर वधाण में गोश्त वधाण में उनके मुख्तलिफ बीमार का बचाने में उनके हाजमे बेहतर कर में जो तक मदद कर सभी का आखिर में यो तवे जानवर जो जरूरी ख्याल रखो उनके खाधे जो ख्याल रखो उनकी वैक्सीनेशन जो उनकी बीमार जो खास ख्याल रखो तभी दोस्त की मालवंद की वरी भी शुक्रगुजार आया इतने तुम आयो गुजार मेहरबानी थैंक यू वेरी मच खुदा आपने बताया कि आरंभ जो है जब खाना भैंसों के लिए पानी अवेलेबल एक्चुअली हमारे पास जो इस वक्त सब जो चल रहा है देसी तरीका उसमें दो टाइम तकरीबन पानी दिखाते हैं या भैंसों को पानी दिखाते हैं बड़े वाला भागता है कभी हमारे पास बैठा तो बंद है अब वो दो टाइम या तीन टाइम दिखाते हैं लेकिन उसका कौन सा तरीका हो जिस तरह आपने बताया एक आइडियल फार्म हो उसमें तो फिर वो आपको वक्तन ब वक्तन गाइड करेंगे उसमें ऐसे है कि बर्तन बना देते हैं जैसे उसमें 24 घंटे पानी पड़ा रहे और वक्तन ब वक्तन उस बर्तन की सफाई जरूरी है ताकि जितना पानी पिएगा अपनी मर्जी से जानवर को भी समझो एक जानदार है ना उसमें सारे सेंसेस होते हैं जानदार इंसान जैसे सिर्फ सेंस नहीं होता बोलने का सेंस नहीं होता सिर्फ तो उसके लिए जो है ना आपको ये है ज़रूरी कि जो है ना आप कमर्शियल लेवल पे काम करें भले से आपके पास एक जानवर है दो जानवर हैं उसको कैलकुलेटिव फार्म पे पालें कि ये कितना चीज़ खा रहा है कितनी प्रोडक्शन दे रहा है उसमें से हमें कैसे फ़ायदा लेना चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप उसके लिए एक बर्तन लें कोई भी जैसे आवर वगैरह होती है सिंधी में कहते हैं उसको या ऐसी कोई जो है ना खाने वाली जगह के साथ जो है एक पोर्शन बना दें आवर का या जो है ना खाने वाली चीज़ का जिसमें पानी 24 घंटे पड़ा रहो और उसमें से एक साइड से सोराख कर दें ताकि जो ख़राब पानी हो आप 24 आवर में दो दफ़ा चेंज कर लिया करें मोटर का पानी पड़ा रहे उसमें क्योंकि जानवर का भी एक मूड होता है ना कि किसी टाइम उसका पानी का पीने का दिल कर रहा है कि नहीं कर रहा तो आपने एक दफ़ा सुबह में उसको पानी पिला दिया वो नहीं पिया वापस चला दिया 24 घंटे में फिर दूसरी दफ़ा पानी दिया तो वो उसकी लेवल ख़राब हो जाएगी उसके जिसम में डिहाइड्रेशन हो जाएगी मिनरल्स की कमी हो जाएगी तो वो आपकी प्रोडक्शन पे असर करेगी लिहाजा जानवर को ऐसे ट्रीट करें कि ये जानदार है और ये हमारे फ़ायदे के लिए जब हमने एक एक जानवर रखने वाले फार्मर ने ये समझ लिया कि ये जो बेस है हमारी ये हमारे एक एकड़ ज़मीन की प्रोडक्शन के बराबर के है तो वो आपको ऑटोमेटिकली समझा जाएगा आपके अंदर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना एक सेंस आ जाएगा कैलकुलेशन आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको ये समझ आ जाएगा कि ये जानवर कितना कीमती है। कभी भी आप जो है ना अकेले में बैठे एक एकड़ ज़मीन की और एक बेस की उसकी जो है ना कॉस्ट उसकी प्रोडक्शन उसकी मेहनत उसकी जो है ना लागत वगैरह चेक करेंगे ना एक एकड़ ज़मीन यहाँ पर तकरीबन 20-25 लाख का होगा और एक बेस होगी 5 लाख तक की एवरेज तकरीबन मान लेते हैं तो उसकी लागत की कास्ट देख लें उसके बाद 6 महीने तक उस एकड़ पे ज़मीन पे जो है ना काम करना पड़ेगा उसके बाद उसकी प्रोडक्शन मिलती है वो भी पता नहीं है कि मार्केट से रेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। उसके बाद अगर आप जो है ना एक बेस पे काम करें तो रोज़ाना बेसिस पे काम करेंगे और रोज़ाना बेसिस पे आपको प्रोडक्शन मिलेगी और उसको अगर आप यहाँ पे पहले किया होता था हम जब एग्रो में काम करते थे तो
तो हम जब कच्चे के इलाके में जाते थे, माए खोए वाले काम अगर करते थे तो 10 रुपये 5 रुपये उनसे दूध लेके चले जाते थे। या तो पहले तो ये होता था दूध या इंटरजेक्शन में वगैरह में जो है बेचते नहीं थे, उसको गुना समझते थे। तो ये ज़माना जो जिद्दत की तरफ जा रहा है, हमें चीज़ों को कैलकुलेट करना चाहिए, हमें चीज़ों को जो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए होगा, पहले से 1 पैसे 2 पैसे हैं। और दूसरी बात यह कि आपको 4-5 चीज़ें जो मैंने बताई, वक्तन बवक्तन हर 3 माह के बाद आप ट्रेंच और आइवरमेक्टिन का डोज लाजमी दें, भले से किसी ग्रुप कंपनी का दे दें। पानी 24 घंटे रखें। तीसरा जो है ना जानवर को खुला रखें। चौथा उसको वैक्सीनेशन शेड्यूल ट्रेंड करें। और पांचवा जो है ना उसकी जो एनिमल हस्बेंड्री होती है, जहाँ डोमेस्टिकेशन या उसका पालना है, आप उसको बेहतर कर दें, आपकी तकरीबन 70 से 80% बीमारियों से जान छूट जाएगी और आपका जानवर आपको इतनी प्रोटेक्शन दे देगा कि आप खुश रहेंगे। और ये बरकत वाला धंधा है। इस चीज़ को जो है ना देखें कि जो है ना पानी का बर्तन कोई भी हो, आप 24 घंटे उसके साथ रखें। खाने जैसे आप खाना उसके साथ पड़ा रहता है, पानी उसके साथ रख दिया करें। जिस टाइम उसका दिल करे, जिस टाइम उसका मूड करे, इंशाल्लाह वो हो जाएगा। क्योंकि जानवर भी सेंसर जो होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे आप चेंज करें, जैसे हम जाते हैं यानी हैदराबाद से गाँव चले गए, वहाँ पर एक दिन तक जो है प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आती, इसी तरीके से जानवर की भी एक नेचर होती है, एक सेंसिटिविटी होती है, लिहाजा उसको भी उस तरीके से डील करेंगे। और जानवर जो है ना हमारी ज़िंदगी का आजकल लाजम मलजूम हिस्सा हो गया है, ये अजल से है। क्योंकि ये दुनिया में रिसर्चेस हैं कि जो है ना पाकिस्तान में, स्पेशली दुनिया में जो जानवरों की इत्तका या एवोल्यूशन हुई है वो सिंध इंडस वैली से हुई है। ये जो ये साई वाली ब्रीड है हमारी गाय की, ये सबसे पुरानी नस्ल है। बचपन से पढ़ते हैं गाय इज डोमेस्टिक एनिमल, खपत में ये पढ़ा है, तो वाकई दूध के लिए घर के लिए तो गाय है। लेकिन उसके बावजूद जब मैं खुद अपने घर का दूध लेता हूँ तो मैं उसको कहता हूँ गाय को, यार मुझे गाय वाला नहीं देना, भैंस वाला देना। तो अब जो हमारी फीड है वो किस तरह इफेक्टिव होगी गाय वाले दूध में, ताकि उसका दूध भी हमारी भैंस जैसा हो, और हम उसको ये ना कहें कि यार गाय कितनी देर बाद भैंसे कितनी है, वो कहता है यार 10 गाय है और 10 भैंसे, कहता नहीं नहीं यार 2 गाय करो 8 भैंसे करो कितना दूध होगा। दरअसल बात सही मां समझी उस गाय की, फार्मर कहता है कि गाय ज्यादा हो ताकि दूध की प्रोडक्शन हो। सही गल है। असल में तमाम जो चवण जो मकसद ये हुआ था गऊ जो खीर ऐं मेह जो खीर, दरअसल दुनिया में जी स्टैंडर्ड्स हैं उए गऊ के खीर के प्रेफर कर रहा है, असा वट उत्तर कम आ छो त हाई फैट्स खीर जो हों मेह जो हों में तकरीबन 6-10 फैट ते भी माना मेह जो खीर होंगी माना गऊ जो खीर है वो 3-4-5% तक फैट होंगी है और उनमें टोटल 6-8 होता है। उसूल असाखे खीर जो सूट करे तो या सेहत वो हुजन खपे वो है गऊ जो खीर, पर अस वो प्रेफर कह असल में शायद असि जेनेटिक्स में शामिल की वही है तो गऊ जो खीर मेह जो खीर बेहतर है। सो इन लाइ इन में को फर्क कोने गऊ जो खीर हो या मेह जो खीर होई बेहतर इंसान जान माना जान ला, पर अगर जो तक मिसाल चाहता है सिंधी बकरी जो खीर पियो तो उनकी 50% घट होंगी छो तो असाजा अजकल खाधा पीता है ना वह भी चिकनाई से भरपूर है, उनके कर भी फेट हों चिकनाई जो होती तो अगत हली अस मामला खराब थी सेहत के हवा से। सो इो थे तो तवे चवण मुताबिक तो अस बिन्हीं जानवर के बराबर से फीड दूँ तो उनकी प्रोडक्शन लेवल वही वे चिकनाई उनकी वही वे तो जे जो अस इस्तेमाल कर आसानी थे तो भले ठीक है गऊ जो या मेह जो हो खीर को मसलो को। बाकी रही गाल दुनिया में जो मिल्क पैक्स वगैरह तो उनका स्टैंडर्ड्स तुम फैट जहाँ ऐसा प्रोटीन जहाँ ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स जहाँ ऐसा न तो उसे गऊ के बराबर तकरीबन होंगे या बकरी के बराबर होंगे छो तो उन्होंने अदर प्रोडक्ट्स भी कड़ी वा माना क्रीम कड़ी वा लस्सी कड़ी वा आइसक्रीम कड़ी वा फैट कड़ी वा बटर कड़ी वा तो शायद वो जी इंसानी जान ला जरूरी है खीर वो उन मुताबिक ठही मिल है जो टेटा पैक जो अस मिल्क पैक पियूँ या हलीफ पे पियूँ या तरंग वगैरह पियूँ अल्पर्स वगैरह पियूँ पा। सो इन में को भी शक को गऊ जो पियो या मेह जो पियो उसूलन जो दुनिया प्रेफर करे थी वह तो डेटा पैक करे थी बार खीर खुलो को छो तो असि हैंडलिंग प्रॉपर होंगी कान माना अस खीर के प्रॉपर हैंडलिंग को कहना एक तो गवालो जो हों हथ धोतो को थाव जो हों खीर वो अलग धोतल होंद अलग को जैसे वो बाल्टी का वो बी जैसे थाव गड़की
उहो बि अलाए साफ़ आहे अलाए को रोज़ा नबी सां साफ़ थिए थो कोन थो थिए छो त हिते जरासीम जी भरमार आहे माना वायरल बैक्टेरियल तमामु घणियूं छो त मखियूं घुमनि पियूं उनखे को बि माना सैनिटाइजेशन जो को प्रॉपर माना असां वटि ट्रैक कोन्हे को रस्तो कोन्हे को सो इन जे लाइ इन जे खीर में को बि फ़र्क़ु माना फ़र्क़ु उहो कंपोज़िशन जे हिसाब सां आहे पर उसूलनि मसलो कोई कोन्हे उसूलनि दुनिया जेकी आहे उहा ॾहों जे खीर खे प्रिफर कंदी आहे पीअण जे लाइ ठीकु आहे एज़ कम्पेयर टू बफ मिल्क जे हिसाब सां ॿियो को क्वेश्चन हुजे दोस्तनि खे वॾी महिरबानी सभिनी दोस्तनि जी आख़िरि में मां सभिनी दोस्तनि जो नया शुक्रगुज़ार आहियां स्पेशली साईं शफ़क़त अला काका जो जेको असांजे सालार फी तक़रीबनि हिन नंढे इलाइक़े में 1000 खां 1200 बैग हलाए पियो इहो पीरियूं तमामु माना अनहोनी हुई पर हींअर जेको आहे सो ॾींहं बि माना बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू खां माण्हुनि जो ज़हन ठहे पियो ऐं इनशाला जानवरनि जे हवाले सां माण्हुनि खे फ़ाइदो पए पियो थैंक यू सभिनी मालूम लाइ वेंदो थैंक यू महिरबानी डॉक्टर सुवाल जवाब तव्हां जा आहिनि आख़िरी में इहो आहे बिल्कुलु तव्हांखे हर हिकु सुवाल जो जवाबु ॾिबो साईं जे थोरो लेचर खे जेकी असां इहो चऊं था त गऊं ऐं मेंहिं जे खीर में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे फ़र्क़ु इहो आहे त फैट परसेंटेज जेका आहे जेके क्रीम या मखण चऊं था उहो मेंहिं जे खीर में वधीक आहे ढगी जे खीर में घटि आहे ॿियो त तव्हां हिते वेठा आहियो या कंहिं दावत में वञो था त मुर्गी बि खाओ था मच्छी बि खाओ था बेह बि खाओ था मथां वरी गजरनि जो हलवो बि खाओ था तव्हांखे कलाक खां पोइ पास घणी लॻंदी आहे लॻे थी न त असांजो जानवर बि ईअं आहे असां जेको फीड जो जेको चऊं था उहो कॉन्सेप्ट दिलि मां कढी छॾियो थी यार पोल्ट्री वारी फीड आहे हिन में मच्छी जी आहे हिन में छिलका साईं फलाणी शइ आहे अहिड़ी का बि ॻाल्हि कान्हे का असांजो जेके पंहिंजे प्रोडक्ट आहिनि इन्हनि तव्हांजे फीडर में तव्हांजो चांवरनि जो अटो आहे चांवरनि जो ॾॾर आहे ॾारो आहे खड़ आहे जोकर आहे तव्हांजी इन में खजूर पियल आहे तव्हांजो उहे शयूं इन में पियल आहिनि जेके तव्हांजे खीर जी पैदावार वधाइनि थियूं तव्हांजे जानवर तव्हां फीड करायो तव्हांखे 15 ॾींहनि खां जानवर पाण ई तव्हांखे चमक ॾेखारींदो चमड़ी हुनजी ॿुधाईंदी त मुंहिंजी चमड़ी छा थी चवे मां खीर केतिरो थो ॾियां तव्हांजे जानवर जी सिहत ॿुधाईंदी त हीअ फीड जो जेको हिकिड़ो कॉन्सेप्ट आहे त भई कुकड़नि वारी फीड आहे इन में अलाए छा कयल आहे अहिड़ी का बि ॻाल्हि कान्हे असांजी जेके शयूं जेके तव्हां भिजाए था रखो ॾारो भिजायो था खड़ भिजायो था शयूं उहे शयूं उन्हनि में पियल आहिनि जेकॾहिं तव्हांखे एतबार न हुजे त तव्हां साइंटिफिकली लेबोरेटरिकली तव्हां टेस्ट कराए सघो था पंजाब में हींअर बि 108 फैक्ट्रियूं आहिनि जेके इहे वंडो ठाहिनि पियूं भला सवली थींदी में हुनखे वंडो चओ चारो चओ तव्हां इन में इहो कॉन्सेप्ट कढी छॾियो अथई फीड आहे ऐं हिन फीड में जेको आहे असांजो अलाए छा थींदो अहिड़ी ॻाल्हि कान्हे बाक़ी जेकॾहिं तव्हां वंडो ॾियो था त डॉक्टर साहिब जे मुताबिक़ तव्हांजो आहुरा जेके ठहियल आहिनि उन्हनि सां गॾु हिकिड़ो विच में आहुरो अहिड़ो बि ठाहिराए छॾियो या टब रखी छॾियो जंहिंमें पाणी पियल हुजे ॾींहं में 4 खां 5 दफ़ा माल खे पाणी पीआरियो उनजो अच्छा तव्हांजो वरी सुवाल इहो हूंदो आहे त फीड असां खाराईसीं जानवर साकणु शुरू कयो आहे साकणु इन जे करे शुरू कंदो त उहो थोरी हैवी आहे उनजे लाइ उनजो हल सिर्फ़ु पाणी आहे का मेडिसन कान्हे का दवा कान्हे का कंहिं डॉक्टर खे घुराइण जी ज़रूरत कान्हे का ठीकु आहे साईं सम्झ में अची वियो अच्छा असां अदीम फीडर जे तरफ़ां जेके हिते दोस्त कई आया आहिनि शामीर ख़ान काका मौलाबिश काका मोहम्मद हाशिम समो साहिबु वज़ीर अली सियाल साहिबु अल्ताफ़ हुसैन सातो साहिबु अमजिद अली साहिबु फैसल जमाली साहिबु इमदाद अली जमाली साहिबु रियाज़ अली जमाली साहिबु ऐं ख़ालिद हुसैन जहेज साहिब जा शुक्रगुज़ार ऐं भलीकार चऊं था उन खां पोइ असांजो जेको ॿियो सेक्शन आहे उहो बि डॉक्टर साहिबु असांजे वेठो आहे तव्हांखे फीड जे बारे में ॿुधाईंदो ऐं मां शफ़क़त काका साहिब खे हिकिड़ो बुक ॾिनो आहे उहो त बुक तव्हां साईं खां फोटो स्टेट करायो टोटल मैनेजमेंट सफ़ाई सुथराई वाणे खां वठी ॻाल्हि जेको चारो ॾियो था खीरु केतिरो आहे उनखे ॾींहं जे हिसाब सां केतिरी तव्हां फीड ॾियो उहो उन में आहे उहो तव्हां हासिलु करे सघो था साईं खां उहो तव्हांजे लाइ गिफ्ट खणी आया आहियूं डॉक्टर साहिबु वेठा आहिनि उहो बि कुझु तव्हांजे लाइ ॻाल्हाईंदा ऐं घणो ॻाल्हाईंदुसि कुझु शइ त कवड़ पालू पंताल में भंवर करे आकाश ॿिन्ही सदी ॻाल्हड़ी राति कंदी रात ते इश्क खे शाबात जी महिबती वड़िया हाणे आउं वांद कंदुसि डॉक्टर होबदार अली बुलो साहब खे जेको अॼु पंहिंजो ख़्यालनि जो इज़हार कंदा ऐं तव्हांखे न्यूट्रिशन ऐं खाध ख़ुराक ॿुधाईंदा साईं डॉक्टर साहिबु तक़रीबन 13 साल पंजाब में रहिया आहिनि तमामु एक्सपीरियंस वारो माण्हू आहे ॻाल्हियूं हुन जूं नोट कयो ऐं हिन खां फ़ाइदो वरितो डॉक्टर होबदार अली बुलो साहब मोहतरम डॉक्टर साहिबान सभु मौज़ूद महिमान प्रोफेसर साहिब ऐं डॉक्टर शफ़क़त अला काका साहिब जी ख़ुशूसी महिरबानी
जैसा कि मान बख्शे करें स्पेशली दावत ने डॉक्टर गुलाम मुस्तफा साहब मुखर साहब जी भी दोस्तों डॉक्टर सोलंकी साहब तमाम सुखो अलहमदिल्ला तव्हांखे ब्रीफ कयो आहे न्यूट्रिशन जे हवाले सां खाद खुराक जे हवाले सां ऐं तव्हांखे ॿ टे गुज़ारिशूं कंदुसि त ऐं असल में जंहिं कंपनी खे आयो आहियां हुनखे आउं रिप्रेजेंट कोन कंदुसि इंडस्ट्रीड खां आहे ऐं बेसिकली एशिया ग्रुप आहे पंजाब खां पर आउं बेसिकली तव्हांखे अर्ज़ु कंदुसि कुझु सवाल आहे तव्हांजे ज़हननि में इहे हूंदा त असां माण्हुनि खे फीड फीड जो छो पराए ते कॉन्सेप्ट वधीक थियो आहे ॾिसो हाणे तव्हांखे गुज़ारिश कयां त डॉक्टर साहब असां मोस्ट सीनियर आहिनि असां जेकॾहिं एवरेज कैलकुलेशन कढूं था त असांजे एनिमल्स खे अढाई घटि टे घटि खां वधीक प्रोडक्शन कोन्हे मेंह जी खीर जी प्रोडक्शन ऐं गऊं जी असां जेका रेड सिंधी आहे साहिवाल जी 4 लीटर आहे त रेड सिंधी जी 3 लीटर 2.5 लीटर आहे इन जो बेसिक वजह इहा आहे त हिकु त असां वटि ब्रीड इम्प्रूवमेंट कोन्हे माना नसल खे असां वाद वेज कोन थी आहे ऐं ॿियो उन जो बेसिक इहो आहे त असां जेको फीड सिर्फ़ु ही वॾो कोन्हे उन में अव्हांजो चारो बि शामिलु आहे उन में तव्हांजो गोह बि शामिलु आहे उन में तव्हांजा ड्राई मेटर्स बि टोटल जेके खुश्क मादा उहे बि शामिलु आहिनि हीअ फीड त हिकिड़ो आइटम आहे जंहिंखे असां कंपाउंड फीड था चऊं माना जंहिंमें तव्हांजी खड़ अची वई तव्हांजो चोकर अची वियो तव्हांजी कटी अची वई मकई अची वई ॾाड़ो कणिक जो ॾियो तव्हां मुख़्तलिफ़ शयूं इन मां जीअं मुख़्तलिफ़ दोस्तनि जे ज़हन में ईंदो अचे त असां वटि फीड को हेॾो वॾो मसइलो आहे जंहिंजे करे असां इस्तेमालु ई न कयूं सही अर्ज़ु इहो आहे त असां हर टेक्नोलॉजी कुझु दोस्तनि जीअं चयो त असां टेक्नोलॉजी खे तॾहिं अप्लाई कयूं जॾहिं असांजे हथनि मां हर शइ निकिरी वेंदी आहे जंहिंजो हिकिड़ो नंढो मिसाल ॾियां अॼु बि असांजा मोस्ट सीनियर दोस्त वेठा आहिनि सवाइ कंहिं इंजीनियर जे साइंटिफिक कैलकुलेटर खे इस्तेमालु करणु ईंदो चंद माण्हू हूंदा जेके अञा जेको हुन में शौक़ु रखनि को मैथमेटिशियंस हुजनि जेके चवनि था साइंटिफिक वे में आउं कैलकुलेटर हलाईंदुसि जॾहिं त ॿाहिरां मुल्कनि इवन असांजे पाड़े वारनि जेको सूबनि में कैलकुलेटर फिटी करे आहे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जेको ॾिसल आहे असां वटि छा आहे त जीअं साईं चयो 108 फैक्ट्रियूं साईं जे हवाले में असां मूंकिया त 12 फैक्ट्रियूं लॻी चुकियूं आहिनि 120 हींअर थी चुकियूं आहिनि सिर्फ़ु पंजाब में नंढियूं त माना कॉटेज इंडस्ट्री त सेपरेट आहे न तमामु जेका वॾे लेवल ते कम पे करनि फीडूं 120 मिलो थी चुकियूं आहिनि जेकी ऑलमोस्ट पोल्ट्री जा ग्रुप आहिनि उहे वॾे वारी कैपेसिटी तां अचनि पिया उनजी वजह इहा आहे त इन में स्पेस घणो आहे गैप आहे गैप इहो आहे साईं असां ॾिसो न असां पंहिंजी फीड काई बि ॾिसो इहा फीड तव्हां पंहिंजे फार्म ते बि तयारु था करे सघो जेकॾहिं को कमर्शियल फार्मर आहे उन हर शइ खे तव्हां फीड था चओ जेका तव्हां पाण वाड़े ते इस्तेमालु था कयो असां माना कमर्शियल फीड्स वारनि जो इहो आहे त बाबा असांजी बल्क क्वांटिटी परचेज हूंदी तव्हां ख़बर पिया असांजी का शइ सस्ती पवंदी डॉक्टर साहिबान वारे जी फैक्ट्री हूंदी ॿिया टे ॿिया दोस्त हूंदा उनजी फैक्ट्रीज़ हूंदियूं उहे हिकिड़ी बल्क में कंदा उन्हनि खे सुठी सोर्स मिलंदी नंबर ॿी ॻाल्हि जॾहिं तव्हां जानवर चओ था त तव्हां हुन में सवालु कयो त डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधायो त गऊं ऐं मेंह जो फ़र्क़ु छो गऊं जो तव्हांजो जेका स्टैंडर्ड आहे डॉक्टर साहिबु ॿुधायो त उनजे मुताबिक़ ई पर उन में ॾिसो इनवायरमेंट तव्हां न्यूट्रिशन जी वधीक कयो तव्हां हुन प्रोडक्शन खे ॾिसंदा पेट वधाइण जे लाइ तव्हांखे ऑयल्स इस्तेमालु करणा जेतिरो तव्हां आयल्स इस्तेमालु कंदो पर 4-4.5 खां वधीक फैट काओ जेको बि न वधंदी मेंह जे बराबरि त आहे कोन छो त मेंह असां वटि एशियाटिक कंट्रीज़ में आहे बाक़ी यूरोप कंट्रीज़ या ॿिया जेके मुल्क आहिनि उते तव्हांजी जेको आहे काओज़ ई आहे ऐं नंबर ॿी ॻाल्हि स्टैंडर्ड ते तव्हां वेंदो सिहत ॾिसो न सिहत स्पेशली तव्हां साउथ एशिया ॾिसंदो इहे सभु वॾियूं वॾियूं बीमारियूं असां वटि साउथ एशिया में फॉरेन में बि आहिनि बीमारियूं कोन्हे त रेशो कोन्हे पर जेके रिज़ेबल माना बराबरि ई असां वटि आहे उन्हनि वटि उनजो रेशो घटि आहे अच्छा नंबर ॿी ॻाल्हि तव्हां अचो वरी असां फीड ते हाणे फीड में तव्हांजो जानवर खे घटि में घटि 10% बॉडी वेट तव्हांखे गाह ॾियणो आहे 10% बॉडी वेट जो मक़सदु इहो आहे जेकॾहिं तव्हांजो 200 किलो वारो जानवर आहे उनखे 30 किलो तव्हां गाह ॾींदो आहे इहो बि तव्हांजो गाह बि तव्हांजो फीड में शामिलु आहे वरी तव्हां उनखे ड्राई मेटर ॾिसो जेकॾहिं तव्हां वटि पंहिंजो पाड़ियाट वारा गाह ॾिसां जंहिंमें लूसण थी वियो बरसीत थी वई त उन में तव्हां वरी खुश्क मादो हुनखे मिलाए ॾींदो कुझु 3 किलो 4 किलो ताकी उनखे उहो पाड़ियाट में वधीक जे हुजण जे करे उनखे वरी डायरिया वग़ैरह लॻंदा उनखां उहो प्रोटेक्ट थिए नंबर ॿी ॻाल्हि अथव पाणी पाणी हिकिड़े हेल्दी जानवर खे 120 लीटर पाणी ॾींहं में 24 कलाकनि में खपे थो ऐं उनजो टेम्परेचर 17 हुजणु खपे 17 इहो कीअं थींदो तव्हां बर्फ़ न विझंदो जेको तव्हांजो बोर लॻियल आहे न ताज़ो फ्रेश पाणी उहो तव्हांजो 17 टेम्परेचर उहो तव्हां पाणी हुनखे 24 कलाक अवेल कर ॾींदा जीअं साईं तव्हांखे ॿुधायो त पोइ आव ठाहींदो तव्हां पोइ रखंदो तव्हां अहिड़ी शइ कंदो पर ॾिसो न तव्हां जानवर को तव्हां अॻी प्लानिंग बि तव्हांखे ठाहिणी आहे त हुनजे लाइ उहा शइ अवेलेबल कयो
ये जेके भी शेयर तो अवेलेबल करना अल्टीमेटली बेनिफिट ता के फायदो ता के जानवर ता के दी तो खीर ता को जानवर का पूछो उना का को ता न्यूट्रिशन पाई जेका है सही पूरी जो मिनरल्स है सुन मेरले लेवल ते किथे भी ता विदो और खीर जे एकले लीटर में 22 का 30 का 35 ग्राम जो कैल्शियम निकल एकले लीटर में ए उना का 16 का 18 ग्राम ता जो फास्फोरस निकल वो हाने हर लेवल ते को भी मानो लोकली अरेंज न तो कर सके उन जो असा जी के कमर्शियली फील्ड्स वाला या व्यवसाय वाला के भी ता के जो उन जो मशहूर जन था तो उन जी एकरी कंपाउंड और फील्ड दट है उन में मन कंप्लीट को फार्मर ठई जा तो जानवर का असर खीर वटू के तो था उन जे वर्सेस असा उन के जो खाद पूरा केतरी जो एकरी कंपाउंड फील्ड केमिकल्स पाउडर है डीसीपी है मिनरल मिक्सचर है विटामिन सर यो एकरी लोकल लेवल ते एकरो अकेले सिर मानो को भी मैनेज न तो कर सके सो लिहाजा उन लिहाज का तेरी कंपाउंड फीड जानवर के दिन खे कंप्लीट जानवर जो के बाकी मैनेजमेंट सार संभाल के हवाले से डॉक्टर जहाँ साहब जो चैप्टर रखल है वो तक ब्रीफ भी कदा तो बाकी जो भी तेजे एनिमल्स के दूसरा बस शाम जो प्रोडक्शन दिए जी डॉक्टर साहब सुनि साहब की गलो पे एकड़ के बराबर है तक प्रोडक्शन दे दी पर तीन के ऐसो तो जमीन से जो मजदूरी मेहनत जी थे थी एनिमल के निस्बत से वह तमाम घटती थे असा इतने जो है पंजाब जो कंपेरिजन तुझा उत पंज एकड़ वो असि 30-40 एकड़ वाले का खुशहाल उनको सबब यो है तो वो बेनाल मन अध सिर्फ एक हिस्सों रख गो जानवर के खीर में कमाई उन घर जो सर्कल हल जमीन जो 3 एकड़ होंगे उनमें 3 का 4 फसल कर कप आया उन्हें विच में करेले की पनीर रहनी चाहिए तो मिर्च की पनीर रहनी चाहिए तो मतलब बीज पोखे चाहिए तो वो कर पटे कर बीज का दिन तो उन्होंने फायदा वो अस मू इत पान के डेवलप करूँ डेवलप तदें जैसे अस मिकेनाइज माना असा जो जिदत देसी कई भी टेक्नोलॉजी असो जमानो लेजर लेवल होंगे को पानी होंगे वाफर हिंसर पानी आए को ऐसो हाँ हर मूल चवे तो असर लेजर लेवल खे लेजर लेवल कदा तो पानी कंजप्शन घटती भी तीन आबादी बेहतर सो इन लिहाज का तमाम बेहतरीन शा भी जिदत है मॉडर्न टेक्नोलॉजी फार्म से अप्लाई क्यों बीमार का बचाए खुराक सिर्फ तक वैक्सीन भी बीमारी का न बचाई कें भी जानवर के खुराक कंप्लीट दी तो अत बीमारी तो उनके लिए खत्म थी वे पूरे जानवर से तेजे फार्म जो 65% खर्चो जो खुराक मैनेज बेनिफिट भी तेरे जानवर का तेरे मूल पुछ न कें भी शे के परफॉर्मेंस दींदा तो वो तक शाम जो रिजल्ट शाम तो तक 5 किलो 8 किलो खीर पवन ये रिजल्ट है बाकी जो अस चुका गाह खाए सिर्फ तो जानवर जो गाह भी न खाए कई भी शे खाए अस 5 किलो खीर पीते ये तो टेक्नोलॉजी को ढीों ढी अस इन टेक्नोलॉजी के बधाने के लिए हर वो जदीद कम जी शकुतला साहब तमाम सुठे तरीके से डेयरी जो कम पाया कन अवेयरनेस दिनी तमाम सुठी गाली खुशी थी मैं घने अर्से आयुस अस बेसिकली कम शुरू किया है जो शिकारपुर लाड़काने का उन तरफ का असो को भी फील्ड जो कॉन्सेप्ट ही को उतने सरकार खैरपुर एरियाज में कम पाया करूँ इंशाल्लाह अर्ता अर्ता अड़ा भी काका साहब के तो 2 दफा में मुझे बुधा तो मुझे ढी खुशी थी अड़ा सेमिनार अवेयरनेस इनमें तमाम मांग की तमाम सुी शिरकत होते छो तो इनमें फायदो इंडिपेंडेंटली तुम काका साहब अभी प्रोग्राम कराया उनकी सेल उ हले पी उन को भी इफेक्ट को थे यह बेनिफिट रोज नयू शो ना हाँ लंबी स्किन डिजीज 2020 में तुम बेन मुल्क में साउथ एशिया के मुल्क में हुई पाकिस्तान में एतो माना जोर को रिटाय बकरी में हुई उनकी वैक्सीन मौजूद हो हिंसर बड़े जानवर में ही है पाकिस्तान में वैक्सीन को पाकिस्तान में वैक्सीन तो कोई पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन इन वैक्सीन के तुम घुरा सको तरीके से ईरान के पार्ट का मुख्तलिफ लगन से बुधन पे डिस्कस थे पे मुख्तलिफ तरीके से अचे थी पी मन ऐसो अस अवेयरनेस माना गवर्नमेंट की सिद्धांत आई उन वैक्सीनेशन में कोने तो यो तो सभी मांग के पान के रोल किरदार अदा करो पवो जैसे ये शुरू सब तक अवेलेबल थी कर इनो गोश्त खीर इस्तेमाल करने के लिए मूल काफ़ी चवनता ऐसो एंटीबायोटिक जैसे इस्तेमाल कहो मुख्तलिफ पीरियड होंगे 6 का वी 14 दिन तीन उनको पीरियड होंगे तो खीर उनको इस्तेमाल न कर जानवर एंटी थी वे खीर उनको इस्तेमाल कर इस्तेमाल के खत्म कर 7 दिन का खीर इस्तेमाल था कर सो
सो अड़े तरीके से सजो दारू मदार दिसो कि ये बीमारियों वायरल ये इतनो इंजो के जो ट्रेन के पीरियड तो के 70 दिन तो के 14 दिन 14 दिन का वो वायरल पीरियड उन जो खत्म थे दो सेकंड में बैक्टीरियल इंफेक्शन रह दो जे करे उन के ता ट्रीटमेंट सुठी दियो तो वो इंफेक्शन भी खत्म थे दो जानवर ता जो हेल्दी थे दो इन में 3-4% मैक्सिमम नियर जो मोर्टेलिटी रेशियो छ पर आए 0.3% मतलब मोर्टेलिटी जो मरण चुका था अदरवाइज किथे माना मन केयर ना कर किथे जानवर के ट्रीटमेंट प्रॉपर ना जन दे दियन था तो लोकल मेडिसिन यो को इंपोर्टेंट ते कौन तो बने वो एक भी शे और डर सा वहां के तमाम सुबह तरीके से समझे था अब सब दोस्तों की बड़ी मेहरबानी बाकी इंशाल्लाह देखो सवाल हो तो इंशाल्लाह भी चलो मेहरबानी तमाम डॉक्टर अवतार बोले साहब जी जेके 70 खां अची सुबह जो सवेल अची ते तुम जो मैं 11-12 बजे आया पर डॉक्टर साहब 10 बजे के माशाला पहुंची वह तमाम वो मेहरबानी डॉक्टर अवतार बोले साहब जो जैसे अच्छी तवे जानवर के बारे में जो कुछ बुधा है मुफीद मालूम होंगी है उनमें डॉक्टर साहब की वही मेहरबानी उस्ताद बुखारी शेर है मनिम त मंदिर से पुगा ना पर हलूँ पा अजा थका ना फर्क थोड़ो है असा सिज में वो लहे पो अस अजा नथा ना इन हाँ जो अर्ज कस इन स्टेज अचन सा डॉक्टर एजाज अहमद जिगारी साहब जो 25-30 साल तीन जिन जानवर के सेहत बाबत जानवर के बीमारी के बाबत डॉक्टर साहब तमाम पूरी सिंध में कम कर चुका जानवर के बारे में जानवर की सेहत के बारे में जानवर के बीमारी के बारे में जानवर के बारे में डॉक्टर साहब जहाँ किताब लिखल तो अड़ो को भी जो अस वेटनरी डॉक्टर जानवर जो डॉक्टर इन वक्त अड़ो ना है जो जानवर के बीमारी के बारे में किताब लिखो हो सिंधी में डॉक्टर साहब तमाम वो तजुर्बेकार डॉक्टर साहब वो जो तमाम जब भाग्य के बारे में जो तमाम घो सुो सोची है तो भाग्य के कड़ी तरीके से भाग्य के फायदो मिले उन डॉक्टर साहब जी भाग्य एसोसिएशन है सिंध की जो भाग्य उनमें सब बकरी जिन जानवर जो भाग्य है उन डॉक्टर साहब बाकायदे सरपंच से आला है जिते जिते सेमिनार प्रोग्राम पूरी सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बिन सूबे में भी डॉक्टर साहब वेल उतें भी डॉक्टर साहब जो कम थे डॉक्टर साहब हिंसर दौलतपुर में गवर्नमेंट वेटनरी डॉक्टर भी हैं पूरे इन इलाके में सुठे बेहतरीन नमूने से कम करता डॉक्टर साहब के वही मालूम है जानवर के बारे में जानवर के बीमारी के बारे में जानवर के सेहत के बारे में जानवर जो दवाओं उनके इलाज के बारे में हाँ हाँ डॉक्टर साहब जो रात जो कल का वही असन मेहमान थे अज स्टेज वेठा डॉक्टर साहब के रिक्वेस्ट कर अर्ज कस स्टेज से अची तवे जानवर के बारे में जानवर के बीमारी के बारे में जानवर के बचा जहाँ टुका लगन था कदें कदें लगन जानवर जहाँ फ्रीज नस्ल हैं जो पाकिस्तान में असें सिंध में कड़ा कड़ा नस्ल आज नस्ल के कि बचाजे नस्ल के बारे में भी डॉक्टर साहब तक बुधाई जी ढगिन जहाँ नस्ल आज मेन जहाँ नस्ल आज बकरी जहाँ नस्ल आज रिडन जहाँ नस्ल आज घोड़न जहाँ नस्ल आज डॉक्टर साहब जो घोड़न से भी रिसर्च वर्क थे जो डॉक्टर साहब पैं किताब भी लिखो है पूरे सिंध में वो किताब जो डॉक्टर साहब जो पढ़े मूँ पढ़न था उन हिसाब से डॉक्टर साहब के रिक्वेस्ट कस अर्ज कस तो स्टेज से अची तवे मुफीद मालूम से नवाजे वेलकम डॉक्टर साहब का मेहरबानी अचो तो स्टेज से अचो भाग्य के मुफीद मालूम थैंक यू डॉक्टर साहब एतरो नमून आयो जो को सवाल पूछे तो मुझे बी रहो थकी पा हों कें दोस्त जिते भी ताड़ू को बजाय साई मुझा असाजे जे भाग्य है अस डॉक्टर का वधिक जानन था डॉक्टर के मनींदा को ये आए या को एकड़ी छोकरी के शादी का साई नाराज तो नी मिड़ाई छोकरी कई शादी बे दिन से या टे दिन से सतवाड़े से इंदू है तो जब सतवाड़े तक मोटी आई तो उनकी नानी पे पूछे तो अमा मदे गिधुनी एक दफो चे अमा मदे गिधुनी टो दफो चेस चेस नानी कड़े मदे आखिर शादी थी रात वाले आखिर नानी अगर गिनते हाँ
तो दोस्तों तहां तक अधिक जानो था तहां के अधिक खबर है मेहरबानी तहां जी आने कुछ तो असाजा दोस्त जी के लिए आयल आदिल डेयरी फोटर से तरफा उन्हें के मलिका चाहूँ था अब्दुल गफूर काका साहब है प्यार अली जमाली साहब है अब्दुल अजीज जमाली साहब है मीरन खोसो साहब है नादर राहुल साहब है इमामिश काका साहब है नजफ्दीन काका साहब है अली दोस्त जमाली साहब है अब्दुल मोहम्मद हुसैन आप तो समझ में नहीं अचे जो असा जानवर जहाँ डॉक्टर अंग्रेजी में घट जाना है बे अब्दुल्ला अब्दुल सैयद अब्दुल जबार शाह साहब है वही मेहरबानी उन्हें उन्हें असो है मोहम्मद सूमर काका साहब है गुलाम कादर काका साहब है इश्फाक अली काका साहब है शहजाद समो साहब है नईम अली है नवाब हजान जी साईं हजान नवाब हजान है डॉक्टर असमत अला साहब है सदाम हुसैन साहब है उन्हें मशहूर कलिया गुल मोहम्मद कुमर साहब वही मेहरबानी साईं जन की जे अस कई आया भली कर चौं था उन्होंने हाँ मुझे जो सेक्शन है वो है जानवर जो नसल असि सिंध में कड़ा कड़ा नसल है अस सिर्फ मेह वा पीढ़ी में तो उन्हें अस हर शे दिसा तो भाई कुंडी है या कान है हि कड़ो नसल है हि बदीन वो नसल है हि मेहड़ वो है या जो असो हि विच थरे जो नसल है हाँ जी मेहड़ वारी में कद की नंढी थी पर खीर घड़ो दी जर तुम बदीन वारी मेह जो वो तो उन्हें जो असो गिची उनकी वही थी पांच वही थी देख में वही थे थी खाए घड़ो थी खीर भी दिए थी पर जो उनके संभाली ओतरो वो दी असानी कुंडी जहाँ ये नसल है जैसे पीढ़ी में वो तो कुछ के हेठा ओह के छिका जैसे केर वन वो जानवर व्यापारी हों दोस्त असा कोई वाड़न वा हों ओह के छिका तो जो सार ओह गलियों अचे तो वह खीर की भली होंगी उन्हें अस जो पुछ के मथा दिसा मेह के टे ढूंगा हों एक टे आन में इनके थियन था उस होंद माना जो पालो तेहण जो है तो सान मेह ती है बदीन की है जो सान बदीन जो है तो मेह मेहण की है जिमें हि टे को थियन था पर स्पेशली तुम वह मेह वा जो हो कुछ जो हिस्सों एक ही होजे कर्गे ही हलो वे तुम उनके तरजीह दींदा वहाँ उन्हें कर असल नसल की होंगी है खीर की भली होंगी है ये शूँ तुम दिसा छेले के तुम पुठी तथ हणा छेले जो वापारी घट हो बाकी मेह के दिसौ तो तुम पे मुँह दिसौ उन्हें तुम उनकी पुछ दिसौ पुछ के मत जो हलो थे तो वो एकड़ो हो जैसे तुम ओह के छिकींद जो व्यम से आए भटारी तो उनके ओह में छिकींद तो ओह जो थण प्लस सार छिकी वह खीर की बिनस्पत भली होंगी है उन्हें असि ढगी असानी ढगी गाढ़ी मलेरिया जहाँ है अस तो यार क्रासगिरी से हली वाया साईबाल वो था अस ऑस्ट्रेलिया में वो था खीर की भली है पर ढगी में आए मैनेजमेंट मैनेजमेंट का मतलब है तुम भाड़े से कि उनके रखो था उनकी खाद खुराक तुम कि उनके तुम कि पालो था जो डॉक्टर साहब असा बई तक चई पाया तो पानी जरूरी है खाद खुराक जितनी दीदव ओतरी जरूरी है जैसे तुम सुबह निंड में उठा तो तक प्रोग्राम मिले तुम रात कपड़ा इस्त्री क्या हों सुबह तुम वो सुठा कपड़ा पाए आया हों ये रमजान शरीफ जो महीनों अचे तो अगवाट कपड़ा बुस्की जहाँ वी छा हों जी जितनी हैसियत है ओतरो वे तो पर जो सुनो हों जो ठाको अगे भी चो तो हाँ भाई खाधे पीते जो खड़ो है तुम जर डिफेंस कराची में हलिया वो उार ऐसो वरी कंपेयर तुम कोरंगी में अची ऐसो बुख जहाँ दुचड़ियल हों जी बार मुझा विचड़ियल हो जाए हि मुझी टाई उल्टी हुए बाहर निकल हो चव तो यार डॉक्टर तो है पर दुचड़ियल घर जो अल चव जरूर को जरूर चव यार ये कड़ो अफाल अस तेजे जो जिन शो वो ओतरो सलीबी खुश होंगी तीन प्रोडक्शन देंगी पाँचन औलाद की फीड जो खाद खुराक सोची रखो था बार बाहर सवरी निकरे तो अगर पेंट शर्ट पारा था उनके साबुन से वेचारे बाहर मोको था तो वाह वाह थे थी साई इन घर जहाँ मूल थदी लत वारा
आए दोस्त ये कोने को कि निंड तो पंथी अचे हो जाता हो भगवान जा पुजे सही आयो अच्छा मता वरी मन माई वांगे ते असा के सब खबर डॉक्टर हर को तो बुझाए हो जे गलता बार परे भजी वनी कुछ गलायो यार सुस्त छो थे आयो मानी क्या रहा मिलती घबरायो ना ठीक है दा उने का पोसा वट रिठन जा नसुल है ना असा वट जे को आए सो थरी गव जा नसुल है ना असा वट लवारी शरीफ जा नसुल है ना उने का पो असा वट जे कैसे बकरी जा नसुल है इते ता जे बखर जा वाली आसपास कबोरी बकरिया बरी है बरी सा का ता जो टापरी वन टापरी में चार पांच किस्म है कारिया मेसुआ अछिया जातना है ये असा जथे जा नसुल है पर कोई ता जे हियर कम जाना जो बकरी जो शौक हो जे थी सके वो बता सके तो या उन्हें के खबर होती पर हाने आता अचो था तहां जे फार्म पे उन्हें तक मेरे ऐसा कुछ दोस्तन के जो पास भलीका चो था शाहनवाज चाचा साहब है हाजी समर अली है मंजूर कादर काका अली है मंजूर कादर अली साहब है मोहम्मद हनीफा है मोहम्मद शेरा या बशीरा अली रदा है अब्दुल हफीदा है मोहम्मद मूसा काका साहब है असा भी इन्हें अदील फीडर्स की तरफा वेलकम दूँ था असो जो टॉपिक है मुझे जो खास वो है तहे वाड़े जो तहे वाड़ा सभी जो वाड़ा दोस्तन जहाँ जो भी आज हाथ थोड़ा मत कर निंडा माशाला जबरदस्त हाँ तेरिया पेरिया जो है कें दोस्त जो वाड़ो किराए पर हों को पंजो है को पंज महीन वालों को दह महीन वालों को अठ महीन वालों कें माशाला सौ भी होंगे वाड़े की उसूल यो है तो ही जो शेड है तुम वाड़े जो उनके ओपन तुम मैदान दियो मेहू खोले छो तुब जो डुहाई कर मेहन के खोले छो उन पास में टब हो जैमें हूँ पानी पियन पे तुम जैसे फीड खाराइंद फीड अस ना चे सको वंडो चूं था फीड के कॉन्सेप्ट वो बेहद हलो तो वे दोस्त उनमें यो है तुम जैसे वेंद जानवर के उन् लगती उन् लगने के लिए इनके वध में वो है तो पानी दियो अच्छा हाँ जो जानवर रखा तो जेतरी तहजी प्रॉपर मन की सार संभाल होती ओतरो फायदो वो पेरी गाल जानवर वी तो उनके हिफाजती टीका जरूर हणा तहे वेझे अस्पताल सरकारी होती उत हलिया वो डॉक्टर वमाम घने तैदाद में दवाओं ये नचते यार सरकारी डॉक्टर किए वनोस चवस दवा अस या खाद बिल्कुल जो बचाव है असो मिनिस्टर है अब्दुल बारी पिताफी साहब उन चाली माओ बताए सठ सैकड़ों सिर्फ बचाव जहा टा वरता है दवाओं के बजाय तो जी जो तुम बचाव जहा टा हणाइंद ओतरो जानवर घट बीमार हाँ तुमसो बारे में सो शादी करे तो मूँ तो बी हाल टी महीने का वही बचा जहाँ नाए महीने तक टुका था लगन तो जी उन्होंने उड़ी माता खनाक खंग या टीबी जो बीमारियों न थन उन्हें का बार जमें तो वरी लगन था अलहमदुल्ला मानन में उमारियों घटी आयु असि जानवर में भी है बी ना तो घट में घट गलगोटो की जो बचा जो टीको है वो जरूर हणा उन असो है सफाई जी तफाई रखा ओतरो फायदे जैसे इतना तो रोड तक फकीर के वी अच्छी वेहसी इरीटेट सब को पर हे तुम शेव भी कई वेजा भी होंद टोपी नहीं वी हूँ कपड़ा नवा पाता हूँ छो जो पान के संवारे अचो था ना तो खूबसूरत सुना लगू अस न चवे यार तू कल ये तकड़ में हलो है तो जानवर भी असा ये जी वाड़े में तुम सफाई रख ओतरो फायद है जर गाह बची तो पवे या तुम खाद खुराक जानवर बचाई तो थे तो पर जर वरी वाड़े में हर एक जानवर जो जे जो भी तुम खाधो रखी था वो चैन खाधिया एक नी खाए तो माना उन्हें को फॉल्ट है नी खाएगा उनमें जरूर को नो फॉल्ट हों उनके बुखार हों उनके पास चिचड़ हों के उनके तंकता हों या बी कई शूं जहाँ वो भित के चटी अक्सर कर आवर के भित से चटीदियन उॉक्टर साहब तक कई तो मिनरल्स विटामिन ये अंग्रेज लफ्जन और सिंधी में तक सेंधो लूण जो तो बुदा तुम ींदा सेंधो लूण ींदा तुम ऐसो एक शे अलग तुम खड़ अलग भिजा तुकर अलग भिजा ती शे भिजा उ शूँ तुम खाधन में उन सेंधो लूण अलग जो वो सेंधो लूण भी इन खाधन में पियल है
ये जानवर में माना बीमारियां जिनके करे वो भित जटे थी मिट्टी जटे थी। अच्छा हाँ तुम जी सफाई कर थण की बीमारी वाड़े में घट थी। अच्छा जैसे मेह की तुम दुहाई कर तो घट में घट 15 मिनट उनके वेहन न दियो। जैसे भी अस दुहाई कहो थण जो सुराख है वो 15 मिनट में खुजल हों। जैसे तुम दुहाई कहो तो जी जानवर में हों किन किसरो जो भी उनमें थण की बीमारी थे वो जरासीम अंदर हलो तो वे उनके करे तहांजे थण जी बीमारियों वाड़न से वधिक थियन थी। बराए मेहरबानी यो नोट करे छड़ियो त 10 का 15 मिनट में उनके वेहन न दियो। में वेठी उनमें तार थण जो मसलो थे तो उन्हें ते तां डबल खर्च कैदा पर उन्हें डबल खर्चे का बेहतर है तो तां सफाई सुथराई रख दो वाड़े ते तो तां जा जानवर सेहतमंद थींदा। तां जी हीर मौसम जका है तो जानवर के पानी में बिहारियो तो बेहतर है न त जी में 2-3 दफा बीन जाने वो तहज बेहतर है। अच्छा उन जी बंद अड़ो वाड़ो है उनमें जानवर बीठा तो अक्सर तिठा था तो उनकी चमड़ी गाढ़ी थी वी गाढ़ी जैसे थियण का तुम डॉक्टर ने भजन आयो पर यह का बीमारी कान्ने का उनके उस दिखारो पाने जानवर सही थी वो डॉक्टर तक 2-3 हज़ार दिशा हणी दींदा अस बेमान आयो बेमान फुरन जहाँ बाहर आयो पर तुम गुआला जी या भाग्य आयो तुम परेशान भी थो खर्च भी कौ मे वहाँ सागी तारी गाड़ी होगी उनके तुम उस दिखारो मजा तो अस बेमान आयो 2 हज़ार का घट ना वो का अड़ी घड़ी बीमार थी तो वह 2 दिन सुई लगे एतरा पैसा खर्च थींदा रिजल्ट कसा ही जैसे तहज मेह जो थण खराब तो थे तो उ मेह तवी 50,000 कीमत घटाए थी उन जगह तुमके जिन दुहाई पे तो 10-15 मिनट उनके वेहन न दियो जी सफाई कद ओतरी तहज माल में बीमारी घटी उन खाधो सुठो दियो तुम भली पाँच सिस्टम रखो इन खाधे के हवा से टकड़ो था दिया साई जी एतरा तो मौलवी साहब मार वी कर माफी पेरे वी अस मूं भी बंद क्या सुना तुम उन शे में मिलल है फीटा हिंदी जो तुम इस्तेमाल कर सको ठीक है साई उन किताब है जो दोस्त जो लिखल इनमें तहजी टोटल खाद खुराक मेहू खीर वाले केतो खाधो दिजे बाखड़ी के केतो दिजे तहज फर के किता दिजे सजो इन में आए। अच्छा बो मेन जो तुम प्रॉब्लम आए वो खीर सजो डूही वा फर के चगड़ी कड़ी दियारी कड़ी छींदा तक बचत जी थे थी वह फरन में तक मेह में बचत कान्ने का बाखड़ी थी अभी कीमत हली वी वरी जहाँ वो लगे। अच्छा जन हाँ तुम बीठी आ लगे उन फर जो उन घो खाई वी तो वो खाधो खाए थी पी पर फर में जहाँ है ना वो पाडा है ना।